दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों का नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए सेशन 2024-25 में एडमिशन कराना चाहते हैं। SOSC के बाद अब शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया शेयर करेंगे, कहां से आपको फॉर्म मिलेगा, कैसे फॉर्म मिलेगा, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और एडमिशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करके यार इस वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों और सभी ग्रुपों में शेयर कर दो ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंच जाए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन ये सर्कुलर है ये आज ही जारी हुआ है 21 फरवरी 2024 को। तो सबसे पहले बात करेंगे ये है नर्सरी के लिए है, साथ में आपका KG के लिए है और ये क्लास फर्स्ट के लिए गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या सर्वोदय विद्यालय अकेडमिक सेशन 2024-25। आइए पूरी प्रक्रिया समझते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो जो भी एडमिशन प्रोसीजर एंट्री क्लासेज लेवल क्लासेज ऑल गवर्नमेंट स्कूल सभी गवर्नमेंट स्कूल के लिए विल स्टार्ट। तो कब से स्टार्ट होंगे भाई, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये होगा 1 मार्च 2024 से, अभी आपके लिए नोटिफिकेशन आ गया है तो पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए आप। और 1 मार्च से पहले पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट कर लीजिए, सारी जो प्रक्रिया वो समझ लीजिए। 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो स्कूल गेट है ना, ये स्कूल गेट पर डिस्प्ले हो जाएगा किस स्कूल में कितनी सीट हैं, कितने बच्चे लिए जाएंगे और आपके बच्चे का एडमिशन पक्का होगा, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। यहाँ पर हम देखेंगे चिल्ड्रन रेजिडिंग इन दिल्ली शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। जो बच्चे जो पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं उन सभी के लिए ये मतलब फॉर्म निकले हैं, मतलब जो दिल्ली में रहते हैं उनका इजीली एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आउट ऑफ दिल्ली से हैं तो आपको कैसे एडमिशन लेना है ना, वो भी मैं आपको इस वीडियो से क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई एडमिशन की कुछ गाइडलाइन है, कुछ फॉर्मेलिटी है तो वो आपको पूरा करना होगा। तो सबसे पहले चिल्ड्रन रेजिडिंग इन द 1 किलोमीटर ऑफ द सर्वोदय विद्यालय एंड चिल्ड्रन रेजिडिंग विद इन 3 किलोमीटर ऑफ सर्वोदय विद्यालय हैविंग नो सर्वोदय विद्यालय विद इन 1 किलोमीटर। सबसे पहले तो आपको अपने नज़दीकी आपके घर से नज़दीक 1 किलोमीटर तक लगभग सर्वोदय स्कूल होते हैं तो आपको उन्हीं स्कूलों में एडमिशन होगा। अगर आपका 1 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है तो विद इन 1 to 3 किलोमीटर 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप 1 से ज़्यादा किलोमीटर है तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है। चिल्ड्रन रेजिडिंग इन द विक्टिनिटी ऑफ 3 किलोमीटर ऑफ द सर्वोदय विद्यालय अदर देन मेंशन इन अबव कैटेगरी है ना, तो भाई कुल मिला के 3 किलोमीटर के दायरे में आपको एडमिशन लेना होगा। और अगर आप 3 किलोमीटर से ज़्यादा आपके घर से दूरी है तो जो HOS है जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं आपको उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी है और उन्हें बोलना है कि भैया लाने और ले जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आप बच्चे की खुद करेंगे, है ना, क्योंकि स्कूल आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं देता है। तो आपको क्या करना, एक अंडरटेकिंग देनी है कि भैया आप दूर से आते हैं लेकिन आपको मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है और आप आराम से स्कूल में ला और ले जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में चाहे आपका 3 किलोमीटर से ज़्यादा भी क्यों ना हो आपका एडमिशन बच्चे का आराम से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि भाई दिल्ली के रेजिडेंस हैं, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो क्या करते हैं, तो ये सिंपल सी बात है दिल्ली में रहने का आप छोटा सा कोई भी प्रूफ आपको देना है बस। वो क्या क्या प्रूफ होना है वो मैं अभी आपको शेयर करूँगा कि भाई बहुत सारे प्रूफ हैं, उन बहुत सारे प्रूफ्स में से एक आपके पास होना चाहिए। आइए देखते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ओनली दो चिल्ड्रन विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू, सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एज देख लेते हैं, नर्सरी क्लासेस, सबसे पहले नर्सरी क्लासेस में किन किन बच्चों का होगा, हु हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स ऑफ एज बट लेस देन 4 इयर्स, मतलब कम से कम 3 साल, मतलब 3 साल से ज़्यादा हो, 3 साल 1 महीना, 3 साल 1 दिन, 3 साल 15 दिन, 6 साढ़े 3 साल हो गए या 3 साल 8-9 महीने, मतलब कुल मिला के 3 से 4 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, मतलब बच्चे की एज होनी चाहिए। और ये कब से काउंट किया जाता है, ये होगा 31 मार्च से, है ना, 31 मार्च से एज होगा। सिंपल सा यहाँ पर इन्होंने बढ़िया सा एज दे रखा है आपके बच्चे की 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, अगर आपके बच्चे का इस बीच में जन्म हुआ है तो आप आराम से अपने बच्चे को नर्सरी क्लास में एडमिशन आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़ देखेंगे यहाँ पर, तो एक बार मैं आपको इसे क्लियर कर दूँ, तो नर्सरी क्लास का हो गया। दूसरा अगर हम KG क्लास की बात करें तो भैया KG क्लास में आपको मिनिमम 4 साल और मैक्सिमम 5 साल, भैया 4 साल से ज़्यादा होने चाहिए आप, 4 साल से कम ना हो आपका।
और 5 साल के बीच में, अगर आप 5 साल से ज़्यादा हो गए तो आप केजी में नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एज कैसे आप काउंट करेंगे, तो आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक, इसी बीच में आपके बच्चे का जन्म होना चाहिए, तो केजी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे पहली क्लास की, तो भाई पहली क्लास में 5 साल कम से कम होने चाहिए, मैक्सिमम 6 साल, मतलब 5 साल से कम ना हो, 6 साल से ज़्यादा ना हो, तो आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकता आराम से। एज कैसे काउंट करेंगे, तो भाई 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 के बीच में आपके बच्चे का जन्म होना चाहिए। सिंपल सी बात है। मान लीजिए अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल के बीच में, 3 से 4 साल के बीच में नर्सरी में, लेकिन आपका बच्चा 3 से 4 साल से ज़्यादा हो गया, तो 4 साल से ज़्यादा हो गया तो केजी में करवाइए, ठीक है। केजी के लिए 4 से 5 साल का क्राइटेरिया है। मान लीजिए आपका बच्चा 5 साल से थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो भाई सिंपल सी बात है, पहली क्लास में करवा लो, क्योंकि पहली क्लास में 5 से लेकर के 6 साल तक के लिए एज क्राइटेरिया है। तो भाई थोड़ा सा छूट HOS की तरफ से भी रहता है, तो भाई जो 30 डेज है ना, 30 दिन का एक ग्रांटेड एक HOS जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनको मतलब रहता है, उनके पास पावर है कि अगर आप प्रिंसिपल चाहे तो आपको 30 दिन कम या ज़्यादा आपका चल जाएगा, मतलब 1 महीना ऊपर 1 महीना नीचे, ऊपर नीचे आपका हो जाएगा, प्रिंसिपल से आपको रिक्वेस्ट करनी होगी तो आप कंसीडर आपका हो जाएगा। मतलब क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम एज में थोड़ा सा अगर 1 महीने का फ़र्क हो रहा हो तो आप अपने बच्चे के एडमिशन करा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो भाई फॉर्म कब से निकलेंगे ये आपको जानना है, तो फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, 1 मार्च 2024 से 15 मार्च 2024, मतलब मात्र 15 दिन में ही, सिर्फ 15 दिन में। तो भाई अभी मैं आपको कह रहा हूँ आज 21 तारीख है और आप इस वीडियो को हो सकता 22, 23, 24 को देख रहे होंगे, तो आपको 1 तारीख से पहले पहले यानी कि 31 जो भी फरवरी 28 आई थिंक 28-29 है, तो फरवरी एंड तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगभग कलेक्ट कर लीजिए, जो भी नहीं है उसे आप भरना शुरू कर दीजिए। किस डॉक्यूमेंट की आपको दिक्कत है आप मुझे कमेंट कर लीजिए, तो मैं आपको प्रॉपर थोड़ा सा गाइड कर लूँगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका कैसे और कहाँ से बनेगा, ठीक। तो भाई बोथ डेज आप जो हैं एप्लीकेशन ऑन वर्किंग डेज, जो भी वर्किंग डेज है इन दौरान में आप फॉर्म ले सकते हैं। एंड यहाँ पर टाइमिंग भी दे रखी है, तो भाई स्कूल में आपको जाना है, और अगर आपका मॉर्निंग स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं सुबह वाले स्कूल में गर्ल्स वाले में, तो आप 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक स्कूल में जाइए और अपना फॉर्म ले लीजिए। दूसरा अगर आप बॉयज़ स्कूल में कराना चाहते हैं तो 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक आपका बच्चे का एडमिशन, मतलब आप एडमिशन से रिगार्डिंग वहाँ पर पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको गाइड करूँ कि आप क्यों परेशान होंगे इधर उधर, आपको छोटी बड़ी जो भी जानकारी चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं, मेरा मुझे इंस्टाग्राम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, आप मुझसे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको कुछ भी और कैसी भी दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्म का क्या करना होगा आपको, तो आपको सिंपल सा देखो फॉर्म कौन सा भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिलेगा। तो आपने फॉर्म स्कूल से लेना है, ये 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मिलेगा, फॉर्म को भरना है और भरने के बाद क्या करना है आपके स्कूल में एक बॉक्स बनेगा डिली फील्ड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फील्ड है उसे आपको क्या करना है विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको एक बॉक्स स्कूल में रखा होगा, उस बॉक्स में आपको डाल देना है और वो आपका उसी में, मतलब वो आपका फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो साथ में आपको क्या करना है लिस्ट एप्लीकेबल, साथ में जो स्कूल में भी हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, मतलब स्कूल में भी आप जाओगे तो आपको वहाँ पर भी हेल्प मिल जाएगी, लेकिन स्कूल में बहुत मारामारी होती है, बहुत भीड़ होती है, तो आपको हो सकता है सही जानकारी ना भी मिल पाए, वैसे स्कूल में सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन इन केस आपको लगता है कि कौन जाए स्कूल, भाई आजकल तो डिजिटल ज़माना है, सारी चीज़ आपको फ़ोन और सोशल मीडिया पर मिल जाती है, तो भाई हमारी वीडियो आपको बहुत, हमारा चैनल आपको बहुत हेल्प करेगी। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अमंग विद द डेफिशिएंसी विल बी डिस्प्लेड ऑन, तो जो भी आपके बच्चों के जो नाम है ना वो 19 मार्च तक मतलब नोटिस बोर्ड पे आ जाएंगे, है ना भाई, किन किन बच्चों ने फॉर्म भरा है। पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट कैन बी विजिट द स्कूल ड्यूरिंग स्कूल टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग आप विजिट कर सकते हैं 19 मार्च तक ड्यूरिंग द स्कूल टाइमिंग होती थर्सडे वेडनेसडे टू फॉर रिमूवल, ओके। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने अपने बच्चे का फॉर्म डाल दिया लेकिन फिर आपको लगा कि भाई नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स कमी रह गई है या आपको नहीं करना है उस स्कूल में एडमिशन, तो आप 19 तारीख से पहले पहले ले सकते हैं, 20 तारीख तक आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वापस कर सकते हैं एंड ड्रॉ ऑफ लॉस इफ रिक्वायर्ड, मतलब आपका क्या होगा हेड ऑन द मॉर्निंग एंड जनरल शिफ्ट 3 PM, यहाँ पर आपको क्या होगा कि लकी ड्रॉ निकलता है, लकी ड्रॉ निकलेगा 21 मार्च को लकी ड्रॉ निकलेगा, और किस बच्चे का नाम आया किसका नहीं आया, हालांकि मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे एडमिशन लेना है ताकि आपके बच्चे का हो ही जाए। तो लकी ड्रॉ निकलेगा SMC मेंबर्स के बीच में और 22 तारीख को आपके बच्चों के नाम जो है स्कूल नोटिस बोर्ड पर आ जाएंगे कि भाई किस किस बच्चे का नर्सरी में, किस किस बच्चे का KG में, किस किस बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया है,
ठीक है। उसके बाद आपको जैसे आपके बच्चे का नाम आ जाता है और आपको करना है डॉक्यूमेंट जमा, है ना। वैसे तो डॉक्यूमेंट आपने डाल दिए बट किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी रह गई है और एक बार फिर से आपको सारे बाकी डॉक्यूमेंट्स भी स्कूल में सबमिट करने होते हैं। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये है डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहला रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ। तो भाई सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट ऑफ बर्थ। जन्मपत्री जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ के लिए। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जन्मपत्री से कंसीडर कर दी जाती है। ध्यान रखें जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है उसी को आप इन फ्यूचर भी चलाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के नाम गलत गलत भर देते हैं, फॉर्म में गलत भर देते हैं और वो बच्चों का नाम आगे चल रहा होता है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स बाद में आते हैं कि बच्चे का नाम तो कुछ और है, स्कूल में कुछ और चल रहा है ना, एक्चुअल में उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है। तो आपको ये गलती बिल्कुल ना करनी है। सबसे पहले आप देखेंगे ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, आई शुड MCD और एनी अदर लोकल बॉडी। भाई MCD से आपको हो सकता है डेट ऑफ बर्थ की ओरिजिनल कोई कॉपी मिल रही हो, आंगनबाड़ी रिकॉर्ड, आपका बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता था वहाँ से या एज इट इज आप रिकॉर्ड स्कूल में जमा कर सकते हैं जिसमें उसकी एज वगैरह लिखी हो, है ना, आंगनबाड़ी में होता है। हॉस्पिटल्स का जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ANM देती है आपको, भाई बच्चा कब और कैसे पैदा हुआ, कितने डेट को पैदा हुआ, वहाँ पर लिखा होता है। एंड अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं कि भैया मेरा बच्चा इस स्कूल में पार्ट बी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप अपना कोई भी एक रखें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का PP साइज छोटा सा एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा। एंड रेजिडेंस प्रूफ में आपको क्या क्या चाहिए, देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से आप कोई भी एक लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है राशन कार्ड। भाई राशन कार्ड आपके पास हो, आपके नाम से हो, पेरेंट्स के नाम से हो, उसमें बच्चे का नाम जरूर होना चाहिए जिस बच्चे का आप करवा रहे हैं, ठीक। दूसरा है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और पेरेंट्स। भाई डोमिसाइल हो, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाता है हर स्टेट, तो आपका मूल निवास दिल्ली का हो तो जिसमें बच्चे का या पेरेंट्स का नाम हो। तीसरा वोटर आईडी कार्ड, तो भाई वोटर आईडी कार्ड बच्चे का तो बनेगा नहीं, तो ये पेरेंट्स का ही बनेगा। पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड हो जिसमें कि दिल्ली का एड्रेस हो और उस लोकल जगह पे, राइट। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए, कंजूसी लाइक करने में नहीं करनी है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है क्योंकि सफ़र आपका और हमारा भी बहुत लंबा रहेगा, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL का हो, पानी का हो, वाटर बिल हो जिसमें बच्चे का नाम, सॉरी पेरेंट्स का नाम हो, तो भाई बच्चे का नाम हो, पेरेंट्स का नाम हो तो पेरेंट्स अपने नाम से वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बैंक की पासबुक हो, बच्चे के नाम से हो या पेरेंट्स के नाम से, दोनों में से एक के नाम पे पासबुक हो, या तो आपके पास जो है आधार कार्ड हो, तो भाई आधार कार्ड बच्चे का हो, पेरेंट्स का हो, मतलब उस लोकल एरिया में आपका चल जाएगा। एंड पासपोर्ट पेरेंट्स का हो, ठीक है, भाई चाइल्ड बच्चे का भी पासपोर्ट होता है वैसे, या तो बच्चे का हो या पेरेंट्स का हो। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट SC है, ST है, OBC है, सिख है, माइनॉरिटी है, जो भी है, वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट से आपको बेनिफिट मिलता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्कूलों में आपको फोर्स किया जाएगा, भैया ये भी डॉक्यूमेंट दो, वो भी दो, ये भी दो, आपके पास आधार कार्ड है, पासबुक नहीं है, पासबुक है पर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, मतलब एड्रेस प्रूफ में कोई भी एक आप चला सकते हैं, या तो राशन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या पासबुक हो या मतलब कुछ भी एक आप बिजली का बिल हो तो लगा सकते हैं। इनकेस आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मकान मालिक, आप किराएदार हैं, भाई किराएदार क्या करेगा, वो उसको भी एडमिशन लेना है, तो किराएदार के पास देखो वोटर आईडी कार्ड होता है और आधार कार्ड तो होता ही है। अगर आपके पास नहीं है तो जो आपके मकान मालिक है वो बिजली के बिल पर अपने साइन कर लें और वो लिख दें कि भाई आपका बच्चा जो है आप अपने फैमिली के साथ उनके घर पे किराए पे रहते हैं और पिछले 3-4 साल से आप लिखवा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ उन्होंने कहा कि भाई एडमिशन विल नॉट बी डिनाइड एनी दिव्यांग चाइल्ड है, डेस्टिट्यूट चाइल्ड है, मतलब बहुत सारे कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है, भाई इन बच्चों का आप जो है डिनाई नहीं कर सकते, मतलब दिव्यांग वगैरह बच्चे हैं जो उनको एडमिशन करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ आपको गाइडलाइन भी दे रखी है, रिलैक्सेशन भी है साथ में, भाई कौन कौन से बच्चों का एडमिशन होगा किस कैटेगरी में, तो सिंपल सी बात है, अगर आपका SC कैटेगरी है तो आपको 15% की छूट है, ST वालों को 5.5% की सीट है, दिव्यांग बच्चों के लिए रिजर्व है 3%, 2% आपका अगर आप जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में आप काम करते हो, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में काम करते हो या तो आप टीचर हो, तो भाई टीचर को 1% टीचर को मिलता है और 1% जो मिनिस्टर स्टाफ, आप जो है अदर जो स्टाफ में हो तो आपको छूट मिलती है और आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। तो भाई बहुत कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। ये आप ध्यान रखें किस स्कूल में कितने सीटें हैं और आप जो है
इधर उधर चक्कर नहीं काटना है, अपने सिंपल से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तो आपका एडमिशन हो जाता है। ये आप जरूर ध्यान रखें कि भाई इलाके पे फर्क पड़ता है, किसी इलाके में बहुत सारे फॉर्म डाले जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा चांस दिक्कत आती है। बाकी आप इंश्योर करें कि आपके इलाके में किस स्कूल में कम बच्चों ने डाला है, तो जहाँ पर कम डाला है वहाँ पर डाल दो, आपके बच्चे का जरूर हो जाएगा। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन फटाफट से अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सभी तक एडमिशन के रिगार्डिंग पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पेरेंट्स जिनको पता ही नहीं चलता है उन तक तो अपडेट पहुंच ही नहीं पाता है। तो भाई अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ भी डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कमेंट्स में जहां मर्जी आप हमसे संपर्क कर सकते हो और अपना जो भी यूनिक सा डाउट है वो पूछ सकते हैं। मैक्सिमम कोशिश करें कॉल कोई बच्चा ना करें, क्योंकि कॉल करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।